हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनास कॉर्नर। और मैं हूं मोना। गाइस, मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइस, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक रिव्यू, बट दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू रिव्यू एनी मेकअप ब्यूटी प्रोडक्ट और एनी स्किन केयर प्रोडक्ट, बट आई एम गोइंग टू रिव्यू अ मेकअप ब्रश सेट रिव्यू, एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन थंबनेल। यस गाइस, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक आई मेकअप स्पेशली फॉर आई मेकअप ब्रशेस सेट है ये, जो कि मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। तो मैं इसका रिव्यू आपको देने वाली हूँ, उसमें कितने मेकअप ब्रश हैं, कौन सा ब्रश आपके किस काम आ सकता है और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो मैं सब आपको ब्रशेस के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप लोग जानना चाहते हैं आई मेकअप ब्रश के बारे में और इस सेट के बारे में कि ये कितना प्राइस का मुझे मिला, अफोर्डेबल है या नहीं है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और विदाउट लाइक करे मत जाइएगा, और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ वो इस तरह के पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है फ्लिपकार्ट से, देख सकते हैं आप, इस तरह का एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में मुझे मिला था। एंड इसको मैं ओपन कर चुकी हूँ गाइस, और ये इस तरह का पैकेजिंग में मुझे मेकअप ब्रश रिसीव हुए हैं। एज यू कैन सी दिस टाइप ऑफ पाउच आई गॉट, एंड इसके अंदर ये मेरे सारे मेकअप ब्रशेज हैं। यू कैन सी ईजली ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग फ्रॉम वन साइड एंड दिस साइड फ्रॉम वाइट पैकेजिंग, एंड यू कैन सी इट। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ इनको निकाल के। तो इस तरीके से ये देखिए गाइस, हाउ ब्यूटीफुल दीज आर। यू कैन सी इनका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मरमेड स्टाइल है ना। तो देखिए, ये मुझे इतने रिसीव हुए हैं 10 ब्रशेस, राइट। देखिए गाइस, ये एक फैन ब्रश भी है, स्पेशली मैंने ये आई मेकअप के लिए ही मंगाए थे, बिकॉज मैं फेस मेकअप में बहुत ज़्यादा ब्रशेस यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही अपना बेस वगैरह लगाती हूँ। कंसीलर भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, बट मुझे आई मेकअप के लिए और ज़्यादा ब्रशेस का ज़रूरत थी, दैट्स वाई आई हैव परचेज दीज। तो ये मैंने आई मेकअप के लिए ही स्पेशली मंगाए हैं गाइज, दीज आर नॉट फॉर फेस मेकअप, बट इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रशेज हैं जिनको आप आई मेकअप के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बता देती हूँ। इसमें ये एक फैन ब्रश भी मुझे रिसीव हुआ है, इससे आप सब जानते हैं कि हाइलाइटिंग करते हैं, हाइलाइटर आप लोग लगा सकते हैं अपने चीक्स पे, अपने फोरहेड पे। तो ये एक हाइलाइटर ब्रश है, फैन ब्रश इसको कहते हैं गाइज। तो गाइज, हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। सबसे पहले गाइज, तो ये इनका जो रियल प्राइस है वो है 499 रुपीज़, जो कि फ्लिपकार्ट पे मुझे मिले थे ये 314 रुपीज़ के, और अभी मैंने चेक किया था तो ये और भी ज़्यादा इनका प्राइस डाउन हो चुका है, ये है 269 समथिंग, हाँ 269 के इस टाइम ये मिल रहे हैं गाइस। तो काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में ये इतने सारे ब्रशेज आपको मिल रहे हैं, राइट। यू कैन सी इजली इतने सारे ब्रशेज हैं, 10 ब्रशेज हैं आई मेकअप के लिए। तो गाइज, ये तो फैन ब्रश है, ये आप हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम आई मेकअप के बारे में बात करें गाइस, तो इसमें देखिए इस तरह से मिल रहा है ये प्लफी ब्रश, 1, 2 एंड 3, ये 3 प्लफी ब्रश इसमें देखिए मिल रहे हैं, जो कि आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए इस तरह के ये प्लफी ब्रश हैं, इससे हम लोग अपना आई शेडो को ब्लेंड करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा फ्लैट है, ये थोड़ा सा इस तरीके से है, यू कैन सी, और ये है इस तरीके का प्लफी, बिल्कुल है टेंगुलर है थोड़ा सा, ये बिल्कुल फ्लैट है। तो इस तरह के इसमें 3 आपको मिलते हैं प्लफी ब्रश, राइट। इससे आप अपने आई शेडो को ब्लेंड कर सकते हैं, लगा सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए ब्लेंडिंग ब्रश है तीनों, यू कैन से दीज आर ब्लेंडिंग ब्रश। तो गाइज, ये 3 हो गए हैं ब्लेंडिंग ब्रश, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश। इसके बाद गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ एक ब्रश है इसमें, ये वाला, यू कैन सी, ये इस तरह का ब्रश है। इससे आप अपने लोअर लैश लाइन के आई शेडो को ऐसे आप स्मज कर सकते हैं, थोड़ा सा ये हार्ड होता है, तो इस तरीके से आपको ये लोअर लैश पे, क्योंकि कंट्रोल से लगाना होता है काफ़ी, ताकि फैले ना, तो आप इस वाले ब्रश की हेल्प से आप अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा सकते हैं आई शेडो, और इससे आप अपने ऊपर वाले अपर लैशेज लाइन पर भी आप लोग अपना आई शेडो को
जैसे कभी कभी हम स्मोकी आईज़ बनाते हैं, तो उस वाली स्मोकी आईज़ के लिए भी आप ये वाले ब्रश की हेल्प से आई शेडो को आई लाइनर की जगह पर लगा के इसे स्मज कर सकते हैं। इसके बाद गाइज इसमें एक ये ब्रश है, ये वाला फ्लैट ब्रश, एक ये फ्लैट ब्रश है। इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से आप लोग कर सकते हैं अपना यहाँ पे कंसीलर अप्लाई इस तरीके से, जैसे जहाँ पर आपके हैंड नहीं जाते सही से, या आपका ब्यूटी ब्लेंडर सही से स्प्रेड नहीं कर पाता है, तब आप लोग ये वाला ब्रश देख सकते हैं। आप लोग ये वाला इस तरह का फ्लैट ब्रश है, इससे आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं इस जगह पर, यहाँ पे अपने आईज़ के इधर उधर आप लोग यहाँ पे इससे कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको एज ए कंसीलर ब्रश यूज़ कर सकते हैं अपने आई मेकअप में आप लोग। इसके बाद गाइज मैं एक और आपको दिखाती हूँ, ये वाला ब्रश, ये थोड़ा ट्रेंगुलर ब्रश ब्रश है, देखिए इस तरह का इसका शेप है ऐसा। इस वाले ब्रश की हेल्प से आप अपनी आईब्रो के आसपास कंसीलर लगा सकते हैं अपने आईब्रोज को हाईलाइट करने के लिए, शेप में देने के लिए। तो इस वाले ब्रश से आप लोग अपनी आईब्रोज के पास लगा सकते हैं कंसीलर इस तरीके से, बहुत ही इजीली आप इस वाले ब्रश की हेल्प से इससे कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं ये इस तरीके से, राइट। और नहीं तो आप इससे इस वाले ब्रश से भी कर सकते हैं ऐसे, तो एक और फ्लैट ब्रश दिया हुआ देख सकते हैं आप लोग, इस वाले ब्रश की हेल्प से भी आप यहाँ कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। और इस वाले ये हो गए दोनों ब्रश, देखिए इस तरीके के दोनों फ्लैट ब्रश। इस वाले ब्रश से आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसके बाद एक और ब्रश ये वाला है, देखिए आप लोग, ये भी फ्लैट ब्रश है, थोड़ा सा राउंड में है। इस वाले ब्रश की हेल्प से आप कट क्रीज अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको कट क्रीज बनानी है तो आप इस वाले ब्रश की हेल्प से कंसीलर लेके, क्योंकि थोड़ा सा छोटा है उससे, तो आप लोग इससे अपना कट क्रीज अप्लाई कर सकते हैं, कट क्रीज बना सकते हैं इस वाले ब्रश से। एक और ये प्लफी ब्रश है, हल्का सा थोड़ा सा बिग है ये, थोड़ा सा बड़ा है औरों के अकॉर्डिंग। इस वाले ब्रश की हेल्प से आप लोग अपनी छोटी जगहों पे हाइलाइटर लगा सकते हैं, जैसे नोज़ पे लगा सकते हैं हाइलाइटर, यहाँ पे इस तरीके से छोटी जगहों पे आप इससे हाइलाइटर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे ब्रो बोन को भी आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं इस वाले ब्रश की हेल्प से। क्योंकि जो इसमें मैंने आपको दिखाया था ये वाला फैन ब्रश, इससे आप यहाँ हाईलाइट करेंगे अपने जो आपके थोड़े से ब्रॉड एरियाज़ हैं, जहाँ पे छोटे एरियाज़ हैं उसके लिए आपको इसमें ये वाला ब्रश मिल रहा है, जैसे नोज़ पे कर सकते हैं और यहाँ पे ब्रो बोन पे हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये सारे ब्रशेस थे और इनके बारे में सारे मैंने आपको एक एक ब्रश के बारे में बता दिया है कि आप लोग किस तरीके से कौन सा ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज दिस इज़ माय फाइनल रिव्यू, और प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सॉफ्ट ब्रशेस हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग भी अच्छे हैं गाइज। इस टाइम थोड़े से और इसका प्राइस डाउन है, तो फ्लिपकार्ट से लेंगे तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छे, क्योंकि 10 ब्रशेज हैं आई मेकअप ब्रशेज हैं, और इस तरह से आप लोग अपना पूरा आई मेकअप कवर कर सकते हैं इन ब्रशेस की हेल्प से। तो गाइज कैसा लगा मेरा रिव्यू मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो गाइज दिस इज़ माय फाइनल रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट, और ये आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, और मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के संग शेयर कर सकते हैं जिनको इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।